Hello, good morning students. How are you all? You all are fine? Okay students, today I will teach you subject EVS. Chapter is second, our body. So students, look at the screen. And in last class, I have explained about sense organs, eyes. Yes? In last class, I have explained how do we see problems of eyesight, yes, and the brain, okay. And now we will start the next sense organ is ear, okay. Look straight, everyone read the chapter very properly, yes. We hear different sound with our ear, loud and soft. For example, music on the television or the sound system, hanging of cars, keeping of birds, ringing of the telephone and the laughter of children playing. आप काफी आवाजों को अपने अपने ear से सुनते हैं, ठीक है? Next, how do we hear? आप अपनी voice को तो कुछ कोई बोल रहा है, कोई सॉन्ग है, साउंड हुआ, किस तरह से सुनते हैं? यस, साउंड वेव्स एंटर द ईयर थ्रू द ईयर कैनल. दिस वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम मूव थ्री टिनी बोन्स इनसाइड द ईयर. द वेव्स गेट्स कैरीड फ्रॉम द बोन्स टू द ब्रेन. व्हेन द वेव्स रीच टू द ब्रेन वी कैन हियर. Look this picture. This is ear picture. Okay, and this is the ear canal, and this is the ear drum, and this is the three tiny bones inside the ear. Okay, three tiny bones inside the ear. The waves gets carried the bones to the brain. When the waves reach the brain, we can hear. ठीक है? आप कोई भी हम बोलते हैं, हमारी आवाज जो है ear canal के through अंदर जाती है और ear drum को touch करती है, then वो आगे message जो है वो हमारी three tiny bones से हमारे ये inside होता है, ear inside, हमारे कान के अंदर part है, उस पार्ट से वेव्स जाती है और हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है. देन हम सुने हुए काम को इजीली कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, पीपल माइट हैव प्रॉब्लम्स इन हियरिंग व्हेन दे ग्रो ओल्ड एज. वी मस्ट स्पीक टू सच पीपल इन अ लाउडर वॉइस. वी मस्ट पेशन देम एंड शाउडर नॉट गेट एंग्री. दे कैन नॉट हियर अस. इट इज अ ह्यूमन नेचर. जब आप भी ओल्ड हो जाओगे या जब ओल्ड है ऑलरेडी, उनको धीरे धीरे सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है. इट इज अ ह्यूमन नेचर. ओके, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं ओल्ड एज की ओर, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है. सो पीपल इन अ लाउडर वॉइस, वो तेज आवाज हम बोलेंगे तभी वो सुन पाएंगे. और हमें क्या नहीं करना चाहिए? वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड शुड नॉट गेट एंग्री इफ दे कैन नॉट हियर अस. वो हमें नहीं सुन पाते तो हमें उनके साथ बिल्कुल पेशेंट होके बोलना है, पोलाइटली बोलना है, हमें उनके साथ एंग्री नहीं होना. यस, दिस इज अ हेयरिंग एड. ये हमें लाउड वॉइस के लिए, जो नहीं सुन पाते तेज आवाज सुनने के लिए, ये मशीन होती है. दैट इज द मशीन. इट्स वेरी टीनी मशीन, बहुत स्मॉल होती है एंड वी कैन इजीली कैन हियर. हम इसे सुन सकते हैं. इट्स नेम इज अ हियरिंग एड. यस, नेक्स्ट, पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली आर कॉल्ड डीफ आर हियरिंग इम्पेयर. इम्पेयर, यस. कुछ पीपल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, वो डीफ होते हैं, उनमें बहरापन होता है जो वो बिल्कुल नहीं सुन पाते. पीपल हु हैव बीन बोर्न कम्प्लीटली डीफ,
उनका जो बोन है वो बिल्कुल ही डीफ होता है. ऑफ्टन अनेबल टू स्पीक दे कम्युनिकेट यूजिंग वेरियस गैस्चर एंड साइन. आपने सम टाइम देखा होगा दे कैन स्पीक, वो कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे वो बोलते हैं यू नो उनके कुछ स्कूल्स भी होते हैं दे कैन लर्न, बट वो बोलते हैं स्पीक यानी बोलने लगे फैन, वो खाली बोलेंगे ऐसे रुक जाते हैं एंड बाकी वो क्या करेंगे गैस्चर करेंगे, साइन से समझाएंगे उनकी इस लैंग्वेज को, दिस इज कॉल्ड द साइन लैंग्वेज. ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज द सेंस ऑर्गन्स ऑफ ईयर. ओके नेक्स्ट इज नोज, सेंस ऑर्गन्स नोज. We smell with our nose. The nose also help us breathe. We smell with the help of olfactory nerve cells. Look this picture. This is the olfactory nerve cells located in nose that pick up different smells. They send messages to the brain then tell us whether a smell is pleasant or unpleasant. आपको लगता है कुछ स्मेल आपको बहुत प्लेजेंट लगती है और कुछ आपको बहुत ही अनप्लेजेंट सी लगती है, ये मैसेज हमें कैसे मिलता है? बिकॉज ऑल्फैक्टरी नर्वस सेल्स सेंड द मैसेज टू द ब्रेन दैट टेल अस वेदर अ स्मेल प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. व्हेन वी सफर फ्रॉम कोल्ड द सेंस ऑर्गन स्मेल्स मे नॉट वर्क प्रॉपरली हज अवर नोज इज ब्लॉक्ड. जब आप सफर करते हो कोल्ड होता है आपको, उस कोल्ड में आप स्मेल जो है प्रॉपर वर्क नहीं करती है. जो स्मेल आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही इट मींस आपकी क्या है नोज जो है नर्व सेल्स आपकी ब्लॉक्ड है. ठीक है तो आपको प्रॉपर नहीं आप स्मेल कर पा रहे. एंड द नेक्स्ट इज टंग. द टंग हेल्पर्स टेस्ट फूड वी ईट. देयर आर स्मॉल टेस्ट बर्ड्स on the tongue that detect on the taste of the anything that we eat. Most taste birds catch several tastes. However, there are special areas on the tongue that can detect on the kind of the taste more than any other. See, look this picture. When we taste the sweet thing, sweet, bitter, sour and salty. Okay, this tastes are sweet, salty, sour and bitter. Okay, the tongue also help us to move food in the mouth and swallow it. It help us to talk too. हम बात करने के लिए भी हमारी टंग हेल्प करती है. जब हम फूड को च्यू करते हैं तो हमारी टंग जो है हमें फूड को हेल्प करती है. ठीक है. And the next sense organ is, look straight, yes, look at the screen. And the next is skin. Yes, the skin cover our whole body and help us feel. Baby and children have smooth skin, but old people have wrinkled skin. If we touch a hot oven or an ice tray, the skin help us to feel the hot or cold sensation. The skin also help to keep the body cool. Yes students, हमारी पूरी body पर क्या है skin है. उस पूरी body skin जो है babies की skin काफी soft होती है, बच्चों की भी soft होती है. हम जब बड़े होते हैं तब भी हमारी skin काफी थोड़ी सी rough हो जाती है और जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी बॉडी पर रिंकल स्किन हो जाते हैं. देन द स्किन हेल्प अस टू फील द हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन. द स्किन आल्सो हेल्प अस टू कीप द बॉडी कूल. हमारी बॉडी को स्किन हमें हमारी बॉडी को कूल रखती है और हमें हॉट एंड कोल्ड की सेंसेशन के बारे में बताती है. तो बेटा दिस इज योर चैप्टर. Now your chapter is finished and you have to read and watch this video again and again.
and do practice of diagram eyes and ear. Thank you.